दिल्ली मुंबई की चकाचौंध से दूर यूपी एमपी की सरहद पर एक इलाका है बुंदेलखंड, जहां लोगों की मजदूरी ने उन्हें मजदूर बना दिया, जहां लोगों के घरों में चूल्हे तो हैं लेकिन उनमें आग नहीं है, जहां लोग दाने दाने को मोहताज हैं, खेत हैं लेकिन जोतने के साधन नहीं है, नहरें हैं लेकिन सूखी पड़ी है। बुंदेलखंड के एक छोटे से क्षेत्र देवगढ़ में जहाँ सहरिया जाति बस्ती है, जहाँ इंसानी रूप में मजदूरी से बेचैन इंसान मजबूर बनकर बैठा हुआ है, जहाँ लोग खाने के जुगाड़ के लिए दिल्ली मुंबई की ओर कूच करते हैं, उस बुंदेलखंड की वास्तविक तस्वीर को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जरा इस चिलचिलाती धूप में अनाज को सुखाती इस महिला को देखिए। ये महिला उन दिनों का जुगाड़ कर रही है जब भूख की मार इंसान का दम तोड़ने के लिए तैयार होगी, मजदूरी की बेचैनी में जब इंसान भूख से तड़प रहा होगा। वैसे तो बड़े बड़े खेतों के बीच रहने वाली ये महिलाएं अपने को बेहद खुश महसूस करती होंगी, लेकिन जब काम और दो वक्त की रोटी की बात की जाती है तो इनके जज्बात ही इनकी दिली स्थिति खुद बयां कर देते हैं। बस काम में तो हमें बहुत परेशानी आ जा। पानी बात इतने काम लिया, तक काम नहीं लिया आपके। बदहाली की मार झेल रही क्रांति अपने घर के पुरुषों का इंतजार कर रही है, जो मजदूरी और धंधे की तलाश में महानगरों की ओर कूच कर चुके हैं। मजदूरी ये तो है नन्ना, क्रांति के साथ साथ जब सुमन और लाड़कुंवर के हालातों की कहानी से हम खुद रूबरू हुए तो पता लगा कि शासन प्रशासन ने हमारे सामने बुंदेलखंड जो सफाचट तस्वीर रखी थी वो अब धुंधली होने की कगार पर थी। प्रधान जी ने ना तो काम का जुगाड़ किया है और ना ही मजदूरी का कोई अब ठिकाना है। न जाने क्या होगा इस देश का, अब तो भगवान ही मालिक है। 10 आदमी लगे तो पूरे आदमी बैठे हैं, वो ऐसो काम का काम चीन चीन के तुम करा रहे काम, वो काम में काम थोड़ी है। कार्डों और कागजों की मार ने तो और भी हालत खस्ता कर दी है। किसी के पास काम है तो कार्ड नहीं, और किसी के पास कार्ड है तो काम नहीं, और कार्ड न होने की वजह से काम भी नहीं मिलता। जो कारठ है कछन के है, कछन की नन्या बरमाठ है, कोनो के गरीबी है, खाती है कोनो की नन्या भाई करवा काम। जो तो ऐसा तो उनको काम। 60 साल पहले अपने घर मध्य प्रदेश को छोड़कर देवगढ़ के सहरिया परिवार में रहने आई कली ने सोचा भी नहीं होगा कि आज के हालातों से उसका उम्र के इस पड़ाव पर सामना होगा, जब उन्हें मजदूरी के साथ साथ बीमार होने पर भी डॉक्टर नसीब नहीं होगा। और इधर अस्पताल है तो मर्द है पूरा, सुबह के लिए अपन ही का की दवाई है, ताप बुखार की दवाई है और कुछ दवाई नहीं है। बच्चा होने की दवाई नहीं इधर होती है, न इधर डॉक्टर नहीं है, न कोई है, अस्पताल ही नहीं है इधर तो कायम है सर। इस इलाके में पत्थर काटने वाला चंदू भी आज तक इस बात को नहीं समझ पाया कि आखिर इस भूख की आग को कैसे बुझाया जाए। दरअसल 20 साल पहले चंदू भी काम की तलाश में देवगढ़ के इलाके में पत्थर के काम के सिलसिले में चला आया था, लेकिन अब हालातों से रूबरू होने पर उसका दर्द भी उसकी आंखों से साफ झलक आता है। ये कि हम लोगों को कोई काम भी नहीं है यहाँ पे, मजदूरी बाहर जाना पड़ता है मजदूरी के लिए, अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ हम ही डूब जाते हैं। मजदूरी से 7 बच्चों का पेट पाल रहा चंदू भी काम की तलाश में महानगरों और ठेकेदारों के चक्कर काटने में अपनी जिंदगी का आधा हिस्सा खत्म कर चुका है, लेकिन पेट की आग अब भी ठंडी नहीं हुई। जंगल में नहीं जाने देते हैं, जैसे कछु वनस्पति है इसको तोड़ के ले आ, उसको छुपा के बेच के अपना गुजारा करते हैं, तो उसके लिए ये लोग थोड़ा रुकावट डालते हैं, इसलिए हमारे इसी चीज़ों से थोड़ी परेशान है कि मजबूरी नहीं है हम लोगों को, और एक किसानी है थोड़ी बहुत, हम लोगों के पास तो वैसे है नहीं, बड़े लोगों के पास है तो वो थोड़ी टाइम से नहीं निकलती है। इस क्षेत्र के विकास के बड़े बड़े दावे करने वाले पंच और उनकी पंचायत भी उनके बादों सरी की खोखली और बेजान नजर आती है, जो बाहर से कुछ यूं दिखती है। यूं तो अंदर से आसिक मिजाजी की तस्वीर भी बयां करती है, अंदर दीवारों पर लैला मजनू की नज़में गुदी हैं और गाय माता आराम फरमा रही है। इस महिला को भी एक नजर देख लीजिए, इस कड़क धूप में किस कदर अपनी नींद का अंगोछा ओढ़कर सोई हुई है। न पेट की चिंता है और ना ही घर बार की, बच्चे तो टीवी में मस्त हैं और फिल्म चल रही है
गिरफ्तार जाए। उल्लंघन करोगी तो मुझे निरोगी चलेगा। रियासत के कानून को चोट पहुंचने को बुंदेलखंड में संसाधनों की महत्ता को दर्शाती बेतवा भी आज गमगीन नजर आ रही है। कलकल करता जल आज शांत हो चुका है और सूरज सरकारी आस में एक बार फिर डूब चुका है। पानी की मार ऐसी है कि बुंदेलखंड रेगिस्तान का बीहड़ समा जाता है। अब इस भूरी को ही देख लो, भरी दोपहरी में पानी की आस में बैठी हुई है, लेकिन नल शासन और व्यवस्था की दुहाई दे रहा है। नीम के पेड़ के नीचे बने कल्लू के घर में अभी दोपहर के 12 बजे चूल्हा जला हुआ है। इस सफेद थैले में आटा आया है जिसे कल्लू की माँ बैठकर आराम से गूंथ रही है। कल्लू और लोगों की तरह मजदूरी के लिए बाहर गया है। बाप बीमार है और माँ असहाय, ले देकर बस रोटी का जुगाड़ कर पाती है और बची खुची मेहनत आटे को गूंथने में खत्म कर देती है। सुखमती कहती है कि कल्लू का 4-5 माह से कुछ पता नहीं है और ना ही उसके कमाए पैसों का। इस गांव में नहीं है मजदूरी, बाहर जाते हैं। बाहर का मजदूरी कर रहे। हमारे लड़का गए 4 महीना हो गए, कोई मालूम नहीं है अब मजदूरी को, वो ने पैसा को ने उन मोड़ी मोड़न को। आज इस देवगढ़ में 8 लोगों के घर चूल्हा नहीं जला है। यूं तो लोग भगवान के नाम पर इस देश में साल के आधे दिन उपवास रखते हैं, लेकिन ये पहली बार है जब इंसान इंसान के लिए उपवास रख रहा है। भूखों के इलाके में नेता तो आते हैं, लेकिन पेट की आग को शांत करने नहीं बल्कि चुनावी तस्वीर का आईना दिखाने। भूख मिटाने को कुछ यूपी और दिल्ली की हुकूमत मांग रहे हैं तो कुछ के संकल्प दीवारों पर चस्पा है। जहां सियासत की गद्दी बुंदेलखंड में सूरज की छत की तरह गर्म है, तो वहीं लोगों का पेट बंजर खेतों की तरह वीरान नजर आता है। इन लोगों के हालात देख कर रेहड़ी वाले रामेंदु की वो पंक्तियाँ याद आ जाती है जिसमे देश की सच्चाई नजर आती है। रेहड़ी वाले रामेंदु लिखते हैं कि नहीं मिलता मुझे घर मेरे भारत में, नहीं होती मेरी भूख शांत मेरे भारत में, मैं अलग हूँ मेरे भारत में, घर अलग, परिवार अलग, अधिकार अलग, मेरा वर्ग अलग, राशन कार्ड अलग, सपने अलग। अब फैसला आप ही कर लीजिए कि इस भारत में आपका क्या कुछ अपना है।